अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में जायरीन के मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर गैंग को दरगाह थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के कब्जे से पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए कीमत के 15 कीमती स्मार्टफोन बरामद किए हैं। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह जाखड़ के अनुसार गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्यों में अरशद खान अफजल उर्फ सोनू, गुलाम हुसैन उर्फ बाबू तथा मोहम्मद सलमान शामिल है। ये चारों अजमेर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले है जो की दरगाह क्षेत्र के आस पास ही स्थित है। आरोपियों से पुलिस को इस तरह की और भी वारदातें खुलने की भावना है। आरोपियों से इस संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। अजमेर राजस्थान स्टेट जुडिशरी एकेडमी द्वारा जिला अदालत के न्यायाधीश लोक अभियोजन हुआ वकीलों के लिए आयोजित 2 दिन की कार्यशाला का रविवार को समापन हो गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती संगीता शर्मा ने सभी प्रतिभागियों से कहा है कि 1 जुलाई से उपयोग होने वाली नई भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का ज्ञान करें ताकि पक्षकारों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बदल रहे अपराधों की स्थिति को देखते हुए किए गए बदलाव पर विचार किया जाना आवश्यक है। कार्यशाला के दूसरे दिन 3 अन्य क्षेत्रों में भी वकीलों और न्यायिक अधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। जिला बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ और सचिव राजेश यादव ने प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया है। अजमेर के रेलवे स्टेशन के सामने 2 रेस्टोरेंट में रविवार को सुबह गैस सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। रेस्टोरेंट में आग लगने से उनके कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदार भी अपनी दुकान छोड़कर बाहर निकल गए। इस बीच जलते हुए रेस्टोरेंट में से कर्मचारियों ने काफी सामान बाहर निकाल दिया। साथ ही अग्निशमन रास्ते एवं क्लॉक टावर थाना पुलिस को भी घटना की खबर दे दी। कुछ ही देर में पुलिस एवं अग्निशमन दस्ते मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। इस बीच सिलेंडरों में धमाके भी हुए। भीषण रूप से जलते हुए रेस्टोरेंट से निकल रही है आग की लपटों को देखते हुए पुलिस ने स्टेशन रोड के उसे हिस्से पर यातायात भी रोक दिया। घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दुर्ग सिंह राजपुरोहित एवं आसपास के पुलिस थानों से थाना प्रभारी एवं जनता भी मौके पर पहुंच गया। उसके पश्चात हालत की जानकारी लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौके पर पहुंचे। साथ ही नगर निगम के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उल्लेखनीय है कि जिस समय रेस्टोरेंट में आग लगी उसे समय लोगों के खाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, अन्यथा ये हादसा गंभीर रूप भी ले सकता था। पुलिस एवं नगर निगम ने आग लगने की घटना की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सुरेश मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के नेताओं को लोन परफॉर्मिंग एसेट बताने पर कहा है कि क्या ये सही नहीं है कि जिनको आप अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर रहे हैं, एक दिन इनमें से 90% लोग आपके निकटतम लोगों में से थे। ये आपकी कुटिल राजनीति से परेशान होकर ही भाजपा में आए हैं। मिश्रा ने कहा कि राजस्थान और कांग्रेस के एकमात्र नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्वयं अशोक गहलोत है, जो अपनी पार्टी को 25 साल से कमजोर करते रहे हैं और राजनीतिक रूप से प्रदेश कांग्रेस को लड्डू बनाकर खाते आ रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि भाजपा के लिए तो अशोक गहलोत परफॉर्मिंग एसेट ही है, जो हर बार मुख्यमंत्री बन जाते थे और नकारा सरकार चलाकर भाजपा को जिताने में मददगार होते रहे हैं, लेकिन अब भाजपा के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पुराने सारे भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ने वाले नहीं है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय में बैठक ली। पंत ने विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर जयपुर शहर के विकास प्रोजेक्ट्स, यातायात एवं सफाई व्यवस्था, मानसून पूर्व तैयारियों आदि को लेकर समीक्षा की। अधूरे कार्यों को जल्दी पूरा करने को लेकर पंत ने अफसरों को निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को गर्मी के मौसम में यातायात व्यवस्था सही करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि लोगों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था की जाए। मानसून की तैयारियों के तहत नगर निगम के अधिकारियों को नालों की सफाई और पानी भराव वाली जगहों पर अभी से पर्याप्त व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सेंट्रल पार्क पहुँचे। शर्मा ने सेंट्रल पार्क में उन्होंने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे और पक्षियों को दाना खिलाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद सड़क किनारे चाय भी पी। इस दौरान वहां मौजूद जनता से अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम एवं कार्यकर्ताओं ने चौड़ा रास्ता पर चाय पी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की ली गई पार्टी संगठनात्मक बैठक में तय हुआ था कि सेवा ही संगठन के माध्यम से पक्षियों के लिए परिंदे लगाएंगे।
महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज ने कौशल्या अदास जी महाराज की बगीची में श्री राम कथा मानस पंचामृत कथा के तृतीय दिन कहा कि संकल्प को परमात्मा पूरा करते हैं। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। कहीं वह धन शुभ कार्य में खर्च होता है, वह कृपा है। पहला दान कीजिए, भोग लीजिए, या फिर नाश होता हो ना दान हो सकता है, न दान कर पाता है उस धन का विनाश हो जाता है। गोस्वामी कहते हैं, कथा में आने में बहुत कठिनाई है, घर के काम ज्यादा होते हैं कि आ नहीं पाते। कथा में हर कोई नहीं आ पाता, जब तक ठाकुर जी नहीं बुलाते हैं। परमात्मा का निमंत्रण गया है, इसलिए आप आए हैं। कथा स्थल ही एक ऐसा विश्राम स्थल है जो दवाई का काम करता है। कथा में बिना गोली खाए नींद आती है तो सो जाए, गोली खाने से अच्छा है यदि तुलसीदास की कोई चौपाई आपके कानों में पड़ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।